everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 14, smart charts. So let's continue with question number 4. Question number 4 is, the chart given below shows the length of the strip made from the paper to wear around the head of the children. Answer the following question on its basis. Okay, यहाँ पे हमें देखो स्ट्रिप्स दी गई हैं, ठीक है। क्या बोला है कि स्ट्रिप्स कट की गई है आउट ऑफ पेपर, ठीक है, ताकि हम उसको अपने हेड के, जो बच्चे हैं उनके हेड के अराउंड पहन सकें, ठीक है, यानी कि जो फॉरहेड होता है उसको कवर कर सकें। तो यहाँ पे सभी बच्चों के नाम दिए गए हैं और जो स्ट्रिप है उसका लेंथ दिया गया है, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट दिया है हेमंत, हेमंत का जो स्ट्रिप है वो कितना लॉन्ग है, 55, ठीक है। यहाँ जो लेंथ दी गई है वो सेंटीमीटर्स में दी गई है, देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इन सेंटीमीटर, और यहाँ दिए गए हैं चिल्ड्रेन। सो हेमंत का जो स्ट्रिप है वो है 55 सेंटीमीटर्स। देन भावेश, भावेश का जो स्ट्रिप है वो है 45 सेंटीमीटर्स। देन दीपक, दीपक का जो स्ट्रिप है वो है 50 सेंटीमीटर। देन मुकेश, मुकेश का जो स्ट्रिप है वो है 45 सेंटीमीटर। एंड देन जीनल, जीनल का स्ट्रिप है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें सबके स्ट्रिप का लेंथ पता चल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिप जो है उसका लेंथ क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया है कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिप कौन सा है, ठीक है। तो देखो बाय फिगर भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिप जो है वो है हेमंत का, ठीक है, और उसका लेंथ क्या है, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज़ 55 सेंटीमीटर्स। देन नंबर टू हमें पूछा है, हु हैज़ द बिगेस्ट हेड, यानी कि किसका सबसे बिगेस्ट हेड है। तो जिसका स्ट्रिप सबसे बड़ा है, ठीक है, उसी का ही हेड है होगा सबसे बिगेस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्ट्रिप है 55 सेंटीमीटर, और 55 सेंटीमीटर है हेमंत का स्ट्रिप, ठीक है। सो हु हैज़ द बिगेस्ट हेड, हेमंत हैज़ द बिगेस्ट हेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री हमें पूछा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिप है उसका लेंथ क्या है, ठीक है। तो सारे स्ट्रिप्स पे चलेंगे दोबारा। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिप देखो दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, जीनल का, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। सो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिप है 40 सेंटीमीटर जीनल का, ठीक है। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिप का लेंथ क्या है, 40 सेंटीमीटर। नाउ नंबर फोर, हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड, सबसे छोटा हेड किसका है। तो जिसका स्ट्रिप सबसे स्मॉल है उसी का ही हेड सबसे छोटा है। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिप है 40 सेंटीमीटर, जो कि है जीनल का, यानी जीनल का सबसे स्मॉलेस्ट हेड है। सो आंसर इज जीनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप, यानी कि जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिप है और जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिप है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट स्ट्रिप क्या था, हमने डिटरमाइन किया था लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज़ 55 एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज़ 40। तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 55 माइनस 40, 55 में से हम 40 को माइनस करेंगे, आंसर इज 15 सेंटीमीटर, ओके। सो द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज 15 सेंटीमीटर। देन नंबर सिक्स, नंबर सिक्स इज, हाउ मच मोर इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ दीपक्स हेड देन दैट ऑफ मुकेश हेड, यानी कि दीपक के हेड का स्ट्रिप जो है वो कितना ज़्यादा है मुकेश के हेड के स्ट्रिप से। तो सबसे पहले तो दीपक के हेड का स्ट्रिप कितना लॉन्ग है, तो दीपक के हेड का स्ट्रिप है 50 सेंटीमीटर और मुकेश के हेड का स्ट्रिप है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है, तो 50 माइनस 45 5 सेंटीमीटर, ओके। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो दीपक के हेड का स्ट्रिप है 50 सेंटीमीटर, मुकेश के हेड का स्ट्रिप है 45 सेंटीमीटर, 50 माइनस 45 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दीपक के हेड का स्ट्रिप कितना ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। नाउ नंबर सेवन, हाउ मच लेस इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ भावेश हेड देन दैट ऑफ हेमंत हेड, यानी कि भावेश के हेड का स्ट्रिप कितना कम है हेमंत के हेड के स्ट्रिप से। तो देखो डायग्राम पे चलेंगे, भावेश के हेड का स्ट्रिप कितना है 45 सेंटीमीटर और हेमंत के स्ट्रिप का लेंथ कितना है 55 सेंटीमीटर। तो भावेश का कम है, कितना कम है, 55 माइनस 45 10 सेंटीमीटर, तो भावेश के हेड का स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर कम है।
ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले हेमंत के हेड का स्ट्रिप का मेजरमेंट लिखेंगे 55 सेंटीमीटर, देन भविष्य के हेड का 45 सेंटीमीटर। सो 55 माइनस 45 10 सेंटीमीटर। ओके, सो भविष्य के हेड का जो स्ट्रिप है वो 10 सेंटीमीटर लेस है हेमंत के हेड के स्ट्रिप से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब, इट्स पाई चार्ट इज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस। ओके, एक स्कूल के चिल्ड्रेन यानी स्कूल के सारे बच्चों ने अलग अलग क्लब्स में पार्टिसिपेशन लिया है, ठीक है, उस क्लब का पाई चार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें पाई चार्ट गिवन है, ठीक है, ये जो सर्कल हमें दिया हुआ है उसे पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो गेम्स क्लब, तो गेम्स क्लब में कितने बच्चों ने पार्ट लिया, तो देखो सर्कल का हाफ पार्ट जो है वो गेम्स क्लब का, यानी कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनमें से आधे बच्चों ने किस में पार्ट लिया है, गेम्स क्लब में, ठीक है। अब सर्कल का जो आधा पार्ट है, ठीक है, ये बचा हुआ हिस्सा, उसमें से आधे ने लिया है गार्डन क्लब में और आधे बच्चों ने पार्ट लिया है ड्राइंग क्लब में, ठीक है। अब देखो इफ़ देर आर 400 स्टूडेंट्स इन द स्कूल देन फाइंड द नंबर ऑफ मेम्बर्स इन ईच क्लब, ठीक है। अगर मान लो कि पूरे स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक क्लब के अंदर कितने बच्चे हैं, ठीक है। फर्स्ट हमें दिया है द गेम्स क्लब हैज़ डैश मेम्बर्स, गेम क्लब्स के अंदर, गेम्स क्लब के अंदर कितने बच्चे हैं, ठीक है। मान लो पूरी स्कूल के अंदर 400 हैं, ठीक है। अब गेम्स क्लब में हमें दिख रहा है हाफ पार्ट, यानी कि हाफ पार्ट गेम्स क्लब का, यानी कि 400 में से हाफ बच्चों ने किस में पार्ट लिया है, गेम्स क्लब में। तो 400 इंटू हाफ कर देंगे हो जाएगा 200, यानी कि 200 मेंबर्स हैं गेम्स क्लब के अंदर। सो द गेम क्लब हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स, 200 मेंबर्स, 200 चिल्ड्रंस गेम्स क्लब के अंदर हैं। देन नंबर 2, द गार्डन क्लब हैज़ डैश मेंबर्स, यानी कि गार्डन क्लब के अंदर कितने मेंबर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब गार्डन क्लब देखो, देखो 1/4 पार्ट हो रहा है जिससे इसको पूरा कर लेते हैं, तो सर्कल का 1/4 पार्ट कहाँ है, गार्डन क्लब के अंदर। अब देखो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 400, 400 का 1/4 पार्ट निकालेंगे, 4 को कैंसिल करेंगे 400 से, तो 100 आएगा, 100 बन जा 100, यानी कि गार्डन क्लब के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है 100। देन नंबर 3, द ड्राइंग क्लब हैज़ डैश मेंबर्स, अब ड्राइंग क्लब भी है, कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो 1/4 पार्ट 400 का क्या हो रहा है, 100, यानी कि ड्राइंग क्लब के अंदर भी कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं। अब देखो 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400, हो गया 400, 400 चिल्ड्रंस थे और सारे के सारे इस पाई चार्ट के अंदर हमने एक्सप्लेन भी कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गेम्स क्लब एंड गार्डन क्लब, गेम्स क्लब और गार्डन क्लब के अंदर टोटल कितने चिल्ड्रंस हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो गेम्स क्लब के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, गेम्स क्लब के अंदर है 200 स्टूडेंट्स, सो 200 प्लस गार्डन क्लब के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 100, सो 200 प्लस 100 300 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं गेम्स क्लब और गार्डन क्लब में, टोटल है 300 स्टूडेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लेस इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ड्राइंग क्लब देन गेम्स क्लब, गेम्स क्लब के कंपैरिजन में ड्राइंग क्लब के अंदर कितने कम बच्चे हैं। तो देखो गेम्स क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं, गेम्स क्लब हैज़ 200 मेंबर्स, सो 200 है, ड्राइंग क्लब के अंदर कितने बच्चे हैं, ड्राइंग क्लब हैज़ 100 मेंबर्स, 100 है, सो 200 माइनस 100 100 स्टूडेंट्स, यानी कि ड्राइंग क्लब के अंदर 100 स्टूडेंट्स कम हैं कंपेयर टू विच क्लब, गेम्स क्लब। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, अ चाइल्ड मेड द पाई चार्ट एज शोन बिलो आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन हिज बेसिस, ठीक है। बारिश में भीगना किसको पसंद है, सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, तो एक चाइल्ड ने अपने फ्रेंड्स को पूछा है कि क्या तुमको बारिश में भीगना पसंद है, ठीक है, डू यू लाइक टू गेट वेट इन द रेन्स रेन,
तो उन्होंने जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो जो चाइल्ड है उसने पाई चार्ट बनाया है, ठीक है। तो देखो जो डार्क ब्लू पार्ट है वो क्या शो करता है, दोज हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, यानी कि इतने पार्ट के जो बच्चे हैं ठीक है उनको बारिश में भीगना नहीं पसंद है, ठीक है। ये कितना पार्ट है देखो पूरा ऐसा करते हैं तो ये कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है, ठीक है। और जो बाकी का लाइट स्काई ब्लू पार्ट है, दोज हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, ठीक है, तो इतने पार्ट के बच्चों को बारिश में भीगना पसंद है। अब ये कितना पार्ट है, तो 1, 2, 3, यानी कि ये है 3/4, ठीक है। तो वो जो चाइल्ड था उसने जितने भी बच्चों को पूछा उसमें से 1/4 को बारिश में भीगना नहीं पसंद और 3/4 को बारिश में भीगना पसंद है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कितने बच्चों को बारिश में भीगना पसंद है, ठीक है। तो ये जो स्काई ब्लू वाला पार्ट था वो हमें शो करता है कितने बच्चों को बारिश में भीगना पसंद है। सो आंसर इज 3/4, ठीक है। हमें ऑप्शन दिया है ए 1/2, बी 1/4, सी 3/4। सो आंसर इज 3/4, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे आंसर सी 3/4। देन नंबर 2, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कितने बच्चों को रेन के अंदर भीगना पसंद नहीं है। ऑप्शन दिया है 1/2, बी 1/4, सी 3/4, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा था डार्क ब्लू वाला पार्ट है जिसमें शो किया है कि बच्चों को भीगना नहीं पसंद, तो 1/4। सो आंसर इज बी 1/4। देन नंबर 3, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास इज 24, देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, ठीक है। अब हमें बोला है कि मान लो अगर क्लास के अंदर 24 चिल्ड्रेन है तो फाइंड आउट करो कि कितने बच्चों को बारिश में भीगना पसंद है। तो देखो कितने बच्चों को बारिश में भीगना पसंद है, 3/4। सो 24 × 3/4, ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 4 × 6 = 24। देन 6 × 3, 6 × 3 = 18 चिल्ड्रेन, यानी 18 चिल्ड्रेन को बारिश में भीगना पसंद है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास इज 36, देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। अब हमें बोला है मान लो अगर क्लास के अंदर 36 बच्चे हैं तो फाइंड आउट करो कितने बच्चों को बारिश में भीगना नहीं पसंद, ठीक है। तो जिन बच्चों को बारिश में भीगना नहीं पसंद था उनका शेयर था 1/4। तो 36 × 1/4, इसको कैंसिल करेंगे, 4 × 9 = 36, 9 × 1 = 9। सो 9 चिल्ड्रेन डज नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।